बादशाह अपनी हसीनो जासाल मलका को दीवानावार चाहता था। मलका दिल ही दिल में इसकी उल्फत पे नाज करती, मगर फितरतन वो औरतों के उस गयूर और खुसर तबके में से थी जो दुनिया में किसी का एहसानमंद होकर रहना, किसी को अपनी कमजोरी से बाखबर करना और अपने तई उसके रहम करम पर छोड़ देना औरत के वकार के मनाफी समझता है। वो इंसान थी और इंसानों की तरह इसके सीने में भी दर्द और मोहब्बत का तूफान बारहा उठता, मगर इसका जज्बा खुददारी इसे दबा लेने में कामयाब हो जाता। जब वो बादशाह को आते देखती तो उसकी नजरें फौरन अदब से झुक जाती, कान फरमाने शाही के मुंतजर हो जाते, वो तस्लीम व अतात का एक जिंदा पैकर बन जाती थी। बादशाह इसी चीज से उकता चुका था। जब वो सल्तनत के कारोबार से फारिग होकर थका हारा महल में आता तो चाहता कि कोई ऐसा रफीक हो जो मोहब्बत के मीठे और जानवाज कलमात से मेरे दिल को तस्कीन दे, जो बजाय मुझको मुखातिब करने के मेरे दिल से हम कलाम हो। इसके बरक्स मलका के पुरतकल्लुफ रस्मी और मोहब्बत से आरी अल्फाज उसके दिल में नुश्ता बनकर चुप जाते थे। एक मुद्दत गुजर गई मगर मलका के बर्ताव में जरा फर्क ना आया। उसकी निगाहों में बादशाह का एहतराम जैसे पहले था वैसा ही अब भी था। वो इसकी खिदमत गुजारी में कोई दकीका ना उठा रखती थी, मगर वो कलमाए मोहब्बत जिसे सुनने के लिए बादशाह के कान बेताब रहते थे उसके मुंह से कभी ना निकलता। इत्तेफाक से इस अरसे में बादशाह के यहां कोई औलाद भी ना हुई जो अपनी मां की सर्द मेहरी का नेमुल बदल बन जाती, जिसे परवान चढ़ते देखकर बादशाह के दिल में उम्मीदें और उमंगें पैदा होती और फलती फूलती। बादशाह रोज बरोज लुत्फ अज़ीज से मायूस होता जाता था। रोज बरोज रियाया के सोद और ज़या से बेपरवाह होता जाता। अमायद सल्तनत इसकी ये हालत देखकर कुड़ते मगर दम ना मार सकते। उन्हें मालूम हो गया कि कोई गम बादशाह को अंदर ही अंदर खाए जाता है, मगर इस गम का सबब पूछने की उन्हें जुर्रत ना होती थी। वो उसका दिल बहलाने के लिए उसे सैर और शिकार को ले जाते। शमशीर जनी और नबरद आजमाई के अखाड़े मुनक्कद कराते। दूर दूर के बाकमाल से बाकमाल मुगन्नी बुलाए जाते। सुबक रू से सुबक रू रक्कासा लड़कियां उसके दरबार में पेश की जाती, लेकिन इस किस्म के मशाकिल चूंकि जज्बात को उकसाते और दिल में वलवले पैदा करते, इसलिए बादशाह बजाय लुत्फंदोज होने के और अफसुरदा हो जाता था।
हां एक शुगल था जिससे उसे किसी कदर तस्कीन हासिल होती थी। फने मुसव्वरी। बादशाह के पास कलमी तस्वीर का एक नादिर और नायाब जखीरा था जिसमें आए दिन इजाफा होता रहता था। बादशाह की सनत परस्ती और कदरदानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। चुनाचे जवान तो जवान, बुढ़े और नई सना भी कदरदानी के भरोसे पर हजारों मील का सफर तय करके आते और अपनी मेहनत की दाद उम्मीदों से बढ़कर पाते थे। एक रोज बूढ़ा संगतराश एक मरमरी मुजस्मा लिए हुए बादशाह की हुजूर में पेश हुआ। ये एक हसीन औरत की शबी थी। सनत का नादिर तरीन नमूना मालूम होता था। किसी वारिफ्ता मिजाज साहिब ने पत्थर के एक बेजान टुकड़े में इश्क का गर्म सांस फूंक कर उसे हयात दवाम बख्श दी है। ये शबी इस दुनिया की किसी औरत की नकल ना थी बल्कि वो सना के तखय्युल की उन औरतों में से एक थी जिनकी हमसरी आलम बाला की औरतें और बीबियां भी नहीं कर सकती। बादशाह सनत के इस अजीब व गरीब नमूने को देखकर बेहद महजूज हुआ। बूढ़े सना को निहाल कर दिया और मुजस्मा अपनी ख्वाबगाह में एक ऐसी जगह रखवा लिया कि नजर हर वक्त इस पर पड़ती रहे। ये मुजस्मा 1.5-2 फीट से ज्यादा ना था मगर संतराश ने इसमें ऐसी जिंदगी भर दी थी कि उसे देखकर इसके कद व कामत का एहसास तक ना होता था। उठते बैठते बादशाह की निगाह इस मुजस्मे पर पड़ती और वहीं जम जाती। उसकी खाबगाह में सनत और हरफत की बीसियों चीजें थी मगर ना जाने मुजस्मे में क्या बात थी कि वो उसे दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जा ना होने देती थी। जिसे सहरदानों से साकित कर दिया गया है, जिसके साकित आजा में मचलने की आरजुएं बेताब है। यही मालूम होता था कि बादलों की रंगीन दुनिया का एक रंगीन पैकरे हुस्न शबाब है जिसके नामालूम होठों में हम कलामी की तमन्ना आंखें खोल रही है। बाज़ात वो पहरों की महवियत के आलम में खड़ा उसे तकता रहता। ऐसा मालूम होता था जैसे इसके और इस मुजस्मे के दरमियान नामालूम तौर पर एक रिश्ता एक ताल्लुक पैदा हो गया जो बतदरीज बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ बादशाह की हालत में भी एक तगय्युर होता जाता था। मलका की संगदिली और बेमहरी का गम तो किसी वक्त भी दिल से दूर ना होता था मगर अब इस गम को मिटाने का एक जरिया उसके हाथ में आ गया था। औरत से या यूं कहो मलका से वो जिस चीज का ख्वाह था वो एक हद तक उसे इस मुजस्मे से हासिल हो रही थी। मलका को उस हसीन मुजस्मे का इल्म था और वो जानती थी कि बादशाह उसे तहसीन की कैसी नजरों से देखता है। उसने कई बार बादशाह को महवियत के आलम में इस मुजस्मे की तरफ तकते भी देखा था। उसे यह एहसास था कि मेरे साथ बादशाह के बर्ताव में फर्क आ गया है और वो मुझसे दूर दूर रहने लगा है। ये सब कुछ जानती थी मगर मोतरस ना होती थी। बाहर का मौसम आया, आंखों में आप से आप एक खुमार, दिल में एक दर्द और रूह में एक तिश्नगी पैदा हो जाने का मौसम आया। जब हर जानदार अपने लिए एक मोनिस दमसाज की जस्तजू करता है,
एक दिन सुबह को बादशाह बिस्तर से उठा तो बहुत बेचैन था। रात उसे अपनी कम नसीबी का एहसास शिद्दत से हुआ था। करवटे बदलते बदलते सुबह कर दी थी। मलका से उसे जितनी शिकायतें और रंजिशें थीं, वो सब ताजा हो गई थीं। इन ख्यालात का असर अब तक जायल ना हुआ था। वो आहिस्ता से उठकर दरीचे के पास जाकर खड़ा हुआ। नीचे पाए बाग में खुशगुलू परिंदों के चहचहे बहार को रंगीन तर बना रहे थे। बादशाह और भी अफसरदा होकर दरीचे के पास से चला गया। अब उसकी नजर मुजस्मे पर पड़ी। आज ये मुजस्मा उसे जिस कदर हसीन मालूम हुआ, पहले कभी ना हुआ था। बूढ़े संतराश के तखयल की ये नामालूम औरत आज इस कदर जिंदा नजर आती थी, गोया अगर बादशाह ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया तो नाज के साथ अपने नन्हे पांव उठाती हुई बेहिजाबाना उसके पास चली आएगी। बादशाह बहुत देर तक उसके सामने खड़ा उसे तकता रहा। मलका कई बार ख्वाबगाह में आई, मगर बादशाह को इस महवियत के आलम में देखकर उल्टे पांव लौट गई। दोपहर होने को आई। मगर बादशाह उस मुजस्मे के पास से ना हटा। अचानक किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा। बादशाह चौंक उठा, पलट कर देखा तो मलका थी। वो बोली, आज क्या बात है, आप ऐसे अफसरदा नजर आते हैं, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ सुबह मेरी तबीयत कुछ अच्छी ना थी। ये कहकर वो फिर मुजस्मे को देखने में महव हो गया। मलका आगे बढ़कर मुजस्मे के सामने खड़ी हो गई और उसे बादशाह की नजरों से उछल कर दिया। बोली, बस बहुत देख चुके, चलिए नाश्ता करें। आज सुबह मेरी तबीयत भी गिरी गिरी थी, इसलिए मैंने भी अब तक नाश्ता नहीं किया। मलका की जबान से यह फिक्रा सुनकर बादशाह चौंक उठा। इसके बाद वो मलका के साथ खाने के कमरे में चला गया। वो चंद लुकमों से ज्यादा ना खा सका, मगर आज उसे एक ऐसी लज्जत का एहसास हुआ जिससे वो आशना ना था। उस दिन से बादशाह की जिंदगी में एक नया तगयुर रोनुमा हुआ। पहले की तरह वो अब मुजस्मे को अफसुर्दगी से ना देखता और ना उसे देखकर इस पर महवियत तारी होती थी, बल्कि जिस तरह कोई बच्चा अपने महबूब खिलौने से खेलकर खुश होता है, उसी तरह वो मुजस्मे से खेलकर लुत्फ अंदोज होता था। वो इसके छोटे से खूबसूरत सर पर हाथ फेरता, उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़कर प्यार से झंझोड़ता, अपने हाथ से फूलों का ताज बनाकर मोहब्बत से उसके सर पर रखता और खुश होता। मलका ने बादशाह की इन हरकत को बारहा देखा और उसे उसकी अक्ल और समझ पर शुबा हुआ। मगर जब वो इससे हम कलाम होती तो उसे पहले से भी बढ़कर आकिल और होशमंद पाती। अब मलका के रवैये में भी फर्क आने लगा था। सुबह को जब वो बादशाह को जगाने आती तो ये देखकर कि वो पहले ही से बेदार है और हसबे मामूल मुजस्मे से खेलने में मशगूल है, पहले की तरह उल्टे पांव न लौट जाती थी, बल्कि अब वो बादशाह को कभी सैर की गर्ज से और कभी नाश्ते के लिए गर्ज किसी ना किसी बहाने ख्वाबगाह से बाहर ले जाती थी। बादशाह मलका के इस तगयुर से बेखबर न था। एक दिन महल में एक अजीब वाकया हुआ। सुबह को जब बादशाह बिस्तर से उठा और हसबे मामूल
उस हसीना के मुजस्मे के करीब आया तो देखा कि उसके दाहने गाल पर स्याही का बड़ा सा बदनुमा धब्बा लगा है। ये देखकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पेशानी पर बल पड़ गया, गैज़ गज़ब के आलम में मुट्ठियां बंद हो गईं। चाहता था कि दुनिया और उसकी हर चीज को तयो बाला कर दे। अचानक किसी ख्याल ने उसका हाथ रोक दिया। वो चेहरा जो गुस्से से तारीख हो गया था आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा और उसके होठों पर एक खफीफ सा तबस्सुम नमूदार हो गया। उसके बाद बादशाह ने महल के तमाम लौंडी गुलामों को बुलाया और गैज़ गज़ब के देवता की तरह गर्जा बरसा। दो गुलामों पर शुबा जाहिर किया और उनके कोड़े लगवाए। फिर पानी, ब्रश और समंदर झाग मंगवाया और खुद ही इस मुजस्मे के गाल पर स्याही का धब्बा दूर करने में मसरूफ हो गया। मलका सहमी हुई और धड़कते हुए दिल के साथ यह सब माजरा देखती रही। अदाब शाही ने इसकी जबान से एक हर्फ भी ना निकलने दिया। जब तक बादशाह मुजस्मे के गाल से धब्बा दूर करने में मसरूफ रहा वो इसके पास ही खड़ी रही, मगर इस असना में उसने एक बार भी आंख उठाकर उसकी तरफ ना देखा। जब बादशाह इस काम से फारिग हो गया तो इसने बड़ी मोहब्बत से मुजस्मे की तरफ देखा। मलका चुपचाप वहां से चली आई। इस वाकये को दो हफ्ते गुजर गए। एक दिन एक इससे भी ज्यादा बढ़कर नागवार वाकया पेश आया। बादशाह सुबह को उठकर मुजस्मे के पास आया तो देखा कि इसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं। मुजस्मे की आंखें बादशाह को बहुत महबूब थीं और वो इन्हें जलपरियों की जमरत दीन आंखों से तशबीह दिया करता था, मगर ये देखकर बादशाह बजाय गजबनाक होने के खिलखिला कर हंस पड़ा। महल के सब लौंडी गुलाम तलब किए गए, उनकी पीठ पर कोड़े लगवाए गए। इस दिन बादशाह को ऐसी खुशी हुई कि शायद किसी बड़े गनीम पर फतह पाने से भी ना होती हो। मुजस्मे के ऐबदार हो जाने पर भी बादशाह की नजरों में उसकी वक़्त वैसी ही रही जैसे पहले थी और वो हर रोज उसी फिरफ्तगी से उससे खेला करता। इसके बाद एक दिन बादशाह ने देखा कि मुजस्मे के दोनों कान कटे हुए हैं। ये वही कान थे जिन्हें बादशाह सदफ़े सीनी कहा करता था। फिर एक दिन देखा कि उसकी नाक कटी हुई है, कि उसके सीने पर किसी ने तेज हथियार से जरबे लगाई हुई है। हर दफा बेचारे लौंडी गुलामों की शामत आ जाती थी, लेकिन फिर भी बादशाह इस मुजस्मे का वैसा ही गर्वीदा रहा। अब भी घंटों से उससे खेलने में मशगूल रहता। एक दिन सुबह को बादशाह जरा देर से उठा। रात उसे बड़े सुख की नींद आई। उम्र भर ऐसी मीठी नींद कभी ना सोया था। अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। जो ही मुजस्मे की तरफ नजर गई तो मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। क्या देखता है? कि फर्श पर संगमरमर के हजारों छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। दूसरे लम्हे मलका
उसके कदमों में थी।